हेलो दोस्तों, कैसे हाल हैं आपके। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर कोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे पहली हेडिंग होगी लॉजिक गेट या तर्क द्वार। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके हम परिभाषा लिखेंगे और इसको समझेंगे। दोस्तों, इसकी परिभाषा होगी, लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ हैं जो किसी तर्क संगत निवेशी निवेशी कहते हैं प्रवेश करने को, तथा निर्गत निर्गत कहते हैं आउटपुट यानी बाहर निकलना सिग्नलों पर आधारित है। मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। और तो दोस्तों, मूल लॉजिक गेट 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। नंबर एक ओर गेट, नंबर दो एंड गेट, और नंबर तीन नोट गेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बुलियन व्यंजक के बारे में। बुलियन व्यंजक क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। बुलियन व्यंजक दोस्तों, इसकी परिभाषा होगी, बुलियन व्यंजक ऐसा व्यंजक है जो दो बुलियन चरों के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिससे एक नया बुलियन चर प्राप्त होता है। यह इसकी परिभाषा होगी। परिभाषा पर आप इतना ध्यान ना दीजिए, सिर्फ समझिएगा। अगली हेडिंग होगी सत्यता सारणी। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी है जो उस गेट के लिए सभी संभव निवेशी तथा निर्गत संयोगों को दर्शाती है। दोस्तों, बुलियन व्यंजक की भी परिभाषा हो गई है और सत्यता सारणी की परिभाषा हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे ओर गेट की। दोस्तों, जब हम ओर गेट की बात करेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होगी, ओर गेट ऐसा डिजिटल परिपथ है जिसमें दो निवेशी यानी के इनपुट चर होते हैं ए तथा बी। इनपुट चरों को ए तथा बी कहते हैं, तथा एक निवेशी चर आउटपुट जिसे हम वाई कहते हैं, उसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम फिर ओर गेट के बुलियन व्यंजक के बारे में बात करेंगे, इसके बाद ओर गेट का प्रतीक, और इसके बाद ओर गेट का परिपथ। जब हम प्रतीक और परिपथ को समझाएंगे तो दोस्तों तभी यह समझ में आएगा, इसकी परिभाषा भी तभी समझ में आएगी आपको। तो अब बात करेंगे हम ओर गेट के बुलियन व्यंजक के बारे में। दोस्तों, ओर गेट का बुलियन व्यंजक ए प्लस बी इक्वल वाई, ये इसका बुलियन व्यंजक हो जाता होता है। और इसको हम ए और बी इक्वल वाई पढ़ा जाता है। इसको हम पढ़ते हैं। और दोस्तों, इसे ए और बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। अब बात करेंगे हम और गेट का प्रतीक यानी इसका सिंबल कैसा होता है, इसका जो प्रतीक हम किस तरह से दर्शाते हैं। तो इसका प्रतीक देखिए किस तरह का होता है। दोस्तों, इसमें दो निवेशक चर होते हैं जिन्हें हम ए और बी कहते हैं, और इसमें एक निर्गत चर वाई होता है। दो इनपुट चर ए और बी तथा एक आउटपुट चर वाई होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे इसका परिपथ किस प्रकार का होता है, किस तरह का।
होता है। देखिए दोस्तों और गेट का परिपथ इस तरह का होता है, इसमें दो निवेशित चर यानी कि ए और बी इस तरह के होते हैं और एक निर्गत चर वाई ये होता है। इसका बैंक रिटर्न इसी बैंक रिटर्न जोड़ देते हैं, इसका धन सिरा और ये इसका ऋण सिरा होता है। अब बात करेंगे हम और गेट की सत्यता सारणी के बारे में। दोस्तों इसकी सत्यता सारणी में हम इस तरह से तीन कॉलम बना लेते हैं, छोटे छोटे तीन कॉलम। और यहाँ पर ए निवेशित चर और बी दूसरा निवेशित चर तथा एक कॉलम में वाई भर देते हैं निर्गत चर। दोस्तों जब हम इस सत्यता सारणी की बात करते हैं तो परिपथ के द्वारा इस सारणी को भरा जाता है। जैसे कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा ऐसे होते हुए यहाँ पर आकर रुकेगी और यहाँ से दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। सपोज करो अगर स्विच ए और बी दोनों ऑफ हो तो वाई यहाँ तक धारा नहीं पहुँचेगी, यह बल्ब है, यहाँ तक धारा नहीं पहुँचेगी, यह बल्ब नहीं जलेगा। अगर ए भी ऑफ है यानी कि ए में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ऑफ है, और बी में भी नहीं जाएगी तो वाई मैं बल्ब भी नहीं जलेगा, यहाँ तक धारा नहीं पहुँचेगी। अगर हम बात करेंगे कि ए स्विच ए ऑन है तथा स्विच बी ऑफ है, यानी कि जब स्विच ए ऑन होगा तो धारा का प्रवाह होने लगेगा और जब धारा का प्रवाह होने लगेगा तो धारा यह इधर से होते हुए यहाँ आएगी तो दोनों प्लस माइनस मिल जाएंगे और बल्ब जलने लगेगा। यदि स्विच ए ऑन यानी कि ए का मान एक और बी जीरो तब वाई का मान एक होगा यानी बल्ब जलने लगेगा। और यदि स्विच ए हम ऑफ कर दें और स्विच बी हम ऑन कर दें तब भी बल्ब जलने लगेगा। स्विच ए ऑन यानी कि स्विच ए ऑफ होगा तो ए का मान जीरो और स्विच बी ये वाला ऑन होगा तो इसका मान एक होगा और बल्ब जलने लगेगा तब भी इसका मान एक होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, चौथी कंडीशन, यदि दोनों स्विच ऑन हैं यानी कि इस परिपथ से यहाँ इस तार से मिले हुए हैं यानी ए का मान एक और बी का मान भी एक तब वाई बल्ब तब भी जलेगा, वाई का मान भी एक होगा। दोस्तों इसके बाद हम सत्यता सारणी के बारे में ही लिख देते हैं। यदि पहली कंडीशन क्या है, यदि दोनों स्विच ऑफ हों यानी ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो हों तो बल्ब नहीं जलेगा यानी वाई बराबर जीरो होगा। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, यदि स्विच ए ऑन हो तथा स्विच बी ऑफ हो तब बल्ब जल जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, इसकी तीसरी कंडीशन है, यदि स्विच ए ऑफ तथा स्विच बी ऑन कर दें तो बल्ब जल जाएगा यानी वाई बराबर एक। इसकी आखिरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, यदि दोनों स्विच ए तथा बी ऑन कर दें तब भी बल्ब जल जाएगा। दोस्तों यह जो हमने इसके बारे में लिखा है यह हमने सत्यता सारणी से ही लिखा है। दोस्तों अगर आपको हमारा वर्क कॉपी करना हो तो प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी कीजिए।